आज हमारा डीआर गोल्ड कप का तीसरा मैच था, दो मैच स्टार्ट डे के हम जीत चुके थे उसी खुशी में। होटल से निकलते ही हम बस में बैठे और बस 5 मिनट का रास्ता था और सुबह ही जब ग्राउंड देखा तो फील ही अलग आता है। और उसके बाद हमने किट चेंज किया और सब रेडी हो गए। उसके बाद मैं गया टॉस के लिए और टॉस जीतना जरूरी था क्योंकि हमें चाहिए थी फर्स्ट बैटिंग, पर हुआ उसका उल्टा, हमें मिल गई बॉलिंग। पर हमारे बॉलर्स ने स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा कंट्रोल रखा और स्टार्टिंग से उनके विकेट गिराते रहे। और उसके साथ साथ सोहित ने भी अपना बॉलिंग में हाथ अजमा लिया कीपिंग को छोड़कर। उसके साथ अली ने लास्ट बॉल पर रन मार दिया और 76 में हमने उन्हें ऑल आउट कर दिया। अमन को बर्थडे गिफ्ट में मिला आज ओपनिंग, क्योंकि आज उसका बर्थडे। उसके साथ मिले हमें खेल ज्ञान, जिनका अभी तक आपने बस वॉइस सुना होगा क्योंकि आपकी टीम बहुत अच्छी खेली। फिर मिले हमें एक सब्सक्राइबर। पाकिस्तान वालों सुनो, चाय पियो पिला देंगे, क्रिकेट खेलो हिला देंगे। Nice, मजा आ गया। और उसके साथ साथ हमारे ओपनर्स भी बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, जिन्होंने पावर प्ले में ही 60 रन बना दिए थे, जिसमें हिमांशु के 50 भी हो गए थे। मैच जीतने के साथ साथ अपना एक फ्रेंड बन गया था, डगआउट में बैठा अपना छोटा हीरो, उसको मैंने अपनी टी शर्ट दिया कि इससे गिफ्ट मिल गया। ठीक है। मैच के बाद हम थोड़े टाइम के लिए ग्राउंड में रुके और थोड़ा मैच देखा। उसके बाद होटल गए और इतनी ज्यादा नींद थी कि 2 घंटे के बाद उठे और फिर हम मैच देखने लगे। और उसके बाद अफगानिस्तान भारी था बांग्लादेश पे, हमने अपनी स्प्लेंडर उठाई और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चले गए। उसके बाद जो आप देखो, चलो अब काटने का के मेरा मुंह देखोगे। हैप्पी बर्थडे टू, यहाँ पे बहुत तगड़ा मजाक हो चुका है। एक और चक्कू कट गया। तो सेलिब्रेशन अपना ओवर हो गया। उसके बाद मैंने एक चीज वहां पे देखी कि बिस्लरी 14 की मिल रही है, फर्स्ट टाइम मैंने इंडिया में देखा। उसके बाद होटल आकर हमने खाना खाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैच में।